दीपक कासेकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि बागी विधायकों में शामिल हो गए हैं। दीपक जी, पहुंच गए गुवाहाटी? हाँ, पहुंच गए। अच्छा, ये बताइए आपके साथ कितने और लोग आए? देखिए, मैं जिस फ्लाइट पे था उसपे 3 लोग जो ऑफिशियल शिवसेना के सिंबल पे जीत के आए हैं, और एक विधायक जिन्होंने सपोर्ट किया था। तो कल का जो नंबर था उसमें 4 और बढ़ गए, और दोपहर तक और भी बढ़ जाएंगे। अच्छा, ये बताइए दीपक जी, ईमानदारी से, क्योंकि जितने मुंह उतनी बातें हो रही हैं, शिवसेना के सिंबल पर जीतने वाले कितने विधायक इस वक्त होटल रैडिसन ब्लू गुवाहाटी में मौजूद हैं? देखिए, ये फिगर अनाउंस करना ये प्रियोगेटिव है पार्टी लीडर का, तो मैं वो नहीं बोलूंगा। मैं इतना ही बोलूंगा कि मोर देन रिक्वायर्ड द नंबर इज प्रेजेंट इन गुवाहाटी। आप मत बोलिए, मैं बोलती हूँ, आप हाँ या ना बोलिएगा। 35? नहीं, ये तो एक ही है चीज है मैडम। कल शिंदे साहब ने अनाउंस किया कि 37 पीपल इलेक्टेड ऑन पार्टी सिंबल आर इन गुवाहाटी, और मैं आपको ऐसे बोल रहा हूँ कि मेरे साथ और 3 आ गए जो पार्टी के सिंबल पे जीत चुके हैं। तो नेचुरली इट वुड गो टू 14, 37+3, बट आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर, विच विल शो यू द करेक्ट पिक्चर्स ऑल्सो ऑन द स्क्रीन, सो दैट यू कैन काउंट देम एंड यू कैन सेटिस्फाई योरसेल्फ। ठीक है, एक ओपन चिट्ठी लिखी है, इस बारे में आप क्या जानकारी देंगे? एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को खुली चिट्ठी लिखी है, और बीजेपी से साठगांठ का आरोप लग रहा है। आपने किससे किससे बात की बीजेपी में? देखिए, मेरा ये कहना है कि किसके साथ अलायंस करना है इसके बारे में क्लियर कट व्यू है हमारा। जो मैं तो खुद लास्ट 1.5 ईयर से बोल रहा हूँ सीएम साहब को, और कि आपको बीजेपी के साथ जाना चाहिए। सारे विधायक की मांग थी कि आपको बीजेपी के साथ जाना चाहिए, और ये पुराने मित्र है, चाहे उनमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए तो उसको पैचअप हो सकता था, वो साथ साथ रहे, इतनी ही मांग थी। किसी ने भी सीएम साहब का रेजिग्नेशन मांगा नहीं था। वी रिस्पेक्ट हिम, ऑल ऑफ अस लव हिम, बट समवेयर यू विल हैव टू कम टू अ कंक्लूजन। लोग जिताते हैं लोकशाही में, तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का विकास करने के लिए जिताते हैं। शिवसेना के पास ऐसा एक भी डिपार्टमेंट नहीं था जो रूरल महाराष्ट्र को कुछ दे सके। इनके पास सिर्फ यूडी रखा, इन्होंने इंडस्ट्रीज रखा, बाकी सब डिपार्टमेंट दे दिए एनसीपी को, कांग्रेस को। तो लोग क्या बोलेंगे अपने यहाँ, जिनको लोगों ने जीता के दिया है उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी का विकास करने के लिए। दीपक केसरकर जी, आपकी ऐसी पुरानी बाइट्स है, लेकिन मेरा सवाल सुनिए, अब अगला कदम क्या होगा? अगला कदम क्या होगा, जल्दी से हमें बता दीजिए, ब्रेक पर जाना है। अगला कदम क्या होगा? डेप्टी स्पीकर को चिट्ठी लिखेंगे, टेक द रिकॉग्निशन एंड देन यू हैव टू गो फॉर द गवर्नमेंट, नो नॉट बिकॉज वी हैव अ स्मॉल नंबर, विल हैव टू हैव अलायंस विद सम पार्टी। सो दो अलायंस आप बीजेपी के साथ करेंगे, वो गठबंधन बीजेपी के साथ करेंगे? दैट इज फॉर मिस्टर शिंदे टू डिसाइड, बट ऑल ऑफ देम वेयर डिमांडिंग विद उद्धव साहेब that he must have an alliance with BJP, and that we were very firm upon.